बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप सब अच्छे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश व खुर्रम रखे, आमीन। अलादीन के बाद हमारे लिए करीब तरीन जो है यही है गुलशन में। वैसे तो अस्करी पार्क भी है, लेकिन हम अस्करी में ही जाते हैं। हम लोग ज़्यादातर अलादीन ही जाते थे, वही हमारे लिए कन्वीनियंट रहता था। अब हम जो है सिंदबाद आए हैं। सिंदबाद भी बहुत अच्छा है तो छोटा सा, अलादीन की तरह बहुत बड़ा नहीं है। वहाँ पर तो पवेलियन और किड्स के लिए बहुत अच्छी अच्छा सब कुछ था, लेकिन यहाँ पर बस राइड्स भी अच्छे हैं, माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं, लेकिन बहुत छोटा सा है। और बहुत फैमिली आई हुई थी, बहुत ही मज़ा आया है। तो गाइस, यहाँ पर इन्होंने ये रखा है 2 इयर्स से जो है बड़े बच्चों का स्टार्ट, 2 इयर्स से स्टार्ट होता है। 40 रुपीज़ का टिकट है और इनके राइड्स पर भी इतने कोई चार्जेस नहीं है। 80 रुपीज़ से समथिंग स्टार्ट हैं तमाम झूले, और कुछ कम के भी हैं, कुछ ज़्यादा के भी हैं, 40 के भी हैं, 80 के भी हैं। बहरहाल यानी कि आप अच्छे से बच्चों को अपने यहाँ पर इंजॉय करवा सकते हैं। तो जैसे ही हम इंटर हुए, मेरा तो आपको पता है हम ख़वातीन की ज्वेलरी और किचन आइटम देखकर ही दिल खुशी से बाग बाग हो जाता है। तो मेरा भी दिल खुश हो गया जब मैंने 100 रुपीज़ और 50 रुपीज़ में ये चीज़ें देखीं। ये बहुत मुझे अच्छी लगी, काफ़ी घर में यूज़फुल चीज़ें थीं। तो मैंने यहाँ से छोटी मोटी शॉपिंग की और आप लोगों के लिए भी मैंने वीडियो बना ली कि मेरी YouTube फैमिली भी इंजॉय करे। तो देखिए यहाँ पर कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, किचन की यूज़फुल भी हैं और ज्वेलरी आइटम में भी बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी। बच्चों के लिए भी बैंड, पेन और बहुत सारी चीज़ें थी। गाइज, मुझे तो बहुत मज़ा आया। फिर हम लोगों ने, पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं, लेकिन हम गोला घंटा कहते हैं, हमेशा से यही होता है जो कलरफुल होता है, बहुत मज़े का यमी सा बना हुआ था। अब तो बहुत ज़्यादा इसमें काफ़ी चीज़ें इन्होंने डाल दी थी, बंटी वगैरह। हमने खूब इंजॉय किया, मुझे तो बहुत मज़े का लगा और मैं बहुत शौक़ से, इसलिए थोड़ी गर्मी भी हो रही थी। एक तो विंटर स्टार्ट होने वाला है, लेकिन अभी भी कराची में तो गर्मी ही है। बाहर के मैं अक्सर सुन रही हूँ कि सीज़न चेंज हो गया, ठंड आ गई। मुझे तो बहुत पसंद है विंटर का सीज़न। आप लोगों को कैसा लगता है विंटर का सीज़न, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके।
गाइस मेरी दो बहनें नहीं आई थी और दो भाई, लेकिन फिर भी हमने बहुत एंजॉय किया। जो हमारे बहन भाई आए थे, हमने और उनके बच्चों ने बहुत मज़ा किया। मेरी भाभी की एक सिस्टर हैं, वो भी आ गई थी अपने बच्चों को लेके। तो इस तरह से हम लोगों ने आज का संडे बहुत एंजॉय किया। और इसके बाद हम लोगों का प्रोग्राम बनवाया कि हम अक्सर तो फैमिलियर रेस्टोरेंट जाते ही हैं, आज कोई कहीं शनवारी में चलते हैं। तो हमने कहा चलें खाना एंजॉय करते हैं शनवारी का। तो मिलेनियम है, मिलेनियम जौहर के पास जो है राइट साइड पे आता है ये शाहिद शनवारी। यहाँ हम लोग गए, बहुत ही समझ लीजिए मज़ा आया। इनका जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया इनका बर्गर था और ब्रोस्ट, और इनका खाना बहुत मज़े का था। लेकिन सबसे ज़्यादा इनका नान, रोगनी नान बहुत मज़े का था, और इनका गार्लिक नान बहुत टेस्टी था। प्राइस भी इनके माशाल्लाह से बहुत अच्छे रिजनेबल प्राइस थे। गाइस मैं एक आप लोगों को बात बोलना चाहूँगी, कहीं भी हो आप, जब बिल पे ज़्यादा पर्सन हो तो बिल को ज़रूर चेक किया करें। हम लोगों ने चिकन खाई थी, लेकिन चिकन कढ़ाई मंगाई थी 3 अलग अलग फ्लेवर में। तो इन लोगों ने हमें चिकन के बजाय मटन का बिल पे करने के लिए बिल बना के दे दिया। वो तो शुक्र है कि मेरे भाई ने चेक कर लिया। तो तकरीबन हम लोग 15-16 पर्सन थे, बच्चों को हटा के बड़े। तो माशाल्लाह से हमने तकरीबन 6,600 का हमारा कुछ बिल बना था समथिंग। तो इन्होंने 7,000 कुछ का बिल बना दिया था। बहरहाल वो थोड़ी सी उनकी वो थी मिस्टेक, तो फिर उन्होंने सही कर ली। तो इसी तरह से बस ये थोड़ा सा मैं कहना चाह रही थी कि बिल को ज़रूर चेक कर लिया करें। और बहुत मज़ा आया, खाना भी बहुत अच्छा था इनका, लुकिंग वाइज भी बहुत प्यारा था। तख्त का भी इन्होंने सेटअप रखा हुआ था, आउटडोर भी रखा हुआ था। गाइज इनकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि अगर हम शनवारी उसमें आए हैं तो इन्होंने अपने कल्चर को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया हुआ था। और हमने तो डाइनिंग ही चूज़ की, क्योंकि हम लोग नहीं बैठे तख्त और उस पे गाँव तकियों पे, और ना हम बाहर बैठे, तो हम ऊपर ही उसमें रेस्टोरेंट में ऊपर ही जाकर बैठे। बताइएगा, आप लोग भी जाइए तो वहाँ का खाना एंजॉय कीजिए। बस आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें और मुझे इसी तरह पसंद करते रहिए, मेरी वीडियोज़ को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहिए। ओके गाइज, अपनी दुआओं में याद रखें, मैं भी आप सबको बहुत बहुत अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। अल्लाह हाफिज़।